परासिया में नगर निगम प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता लवकुश अग्रवाल की अवैध बिल्डिंग को तोड़ दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए नारेबाजी की। परासिया थाने के समीप कांग्रेसी नेता लवकुश अग्रवाल की बनी बिल्डिंग का निर्माण अवैध तरीके से करवाया गया था और यह मामला कई सालों से कोर्ट में चल रहा था। कई सालों बाद यह अवैध बिल्डिंग को तोड़ने पुलिस अमला जब फोर्स लेकर पहुंचा तो विधायक वाल्मीकि सहित कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई का विरोध किया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। बार बार प्रशासन के समझाने के बाद भी जब कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और अवैध बिल्डिंग को तोड़ दिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।